हाँ बेटे लाल, क्या कर रहे हो यहाँ पे? सॉरी, मेरे को सॉरी. मेरे को सॉरी? सॉरी मेरे को सॉरी क्या होता है? बोला था पढ़ाई कर, लिखाई कर. मेरी को सॉरी कौन सी लैंग्वेज होती है? आई एम सॉरी बोल. आई एम सॉरी. चल निकल. हेलो स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई थिंक अब तुम्हें भी जाना चाहिए और देखना चाहिए तुम्हारी फैमिली ठीक है या नहीं. ठीक है, जाओ. हीरो, अब तू भी फिनिश कर दे अपनी फाइट. कम ऑन. कुछ भी हो रहा है, तू तो दिखाई भी दे रहा है. रिंग पहनी हुई है, फिर मैं दिख कैसे रहा हूं? रिंग तो ठीक है ना? ये रिंग मुझे पावर्स तो दे रही है, पर गायब क्यों नहीं कर रही है? Come on, Gayab Mode On. कहाँ गायब हो गया ये? हीरो, अच्छा इसका मतलब है कि मैं रिंग को कमांड कर सकता हूँ कि मुझे कब गायब होना है और कब दिखना है. ये तो कमाल हो गया, बवाल हो गया. इच्छाधारी रिंग, आप बता दो इसे. हीरो, गायब मोड ऑफ. गायब मोड ऑफ. बहुत गर्मी है ना तुझमें? चल अभी तुझे ठंडा ठंडा कूल कूल करते हैं. चला गया.
बाय। बंटू भाई आपसे कुछ कहना था। बोलना बेटा। I'm so sorry. आज तक मैंने जो कुछ भी stupid हरकतें करी, I'm really sorry. Shh. It's okay. तेरा बंटू भाई ना तेरे साथ। हाँ? ज़ारा? ज़ारा? तुम ठीक हो ना? Are you fine, ज़ारा? तुम लोग ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आजा तुम बैठो। आजा। सारा अभी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो रक्षा मंडल के गुंडे ना, उन सब की बैंड बज गई है। रियली? हाँ। पता नहीं अचानक से एकदम से सारा धुआं खुद गायब हो गया। बट उसने ना हम सबकी बहुत हेल्प करी। किसने? पता नहीं, एक कोई था एकदम वीर भैया जैसा। ना उसने अपना नाम बताया ना कुछ, बट सबकी हेल्प करता चला गया। हाँ ज़ारा, उसने तो मेरी भी हेल्प करी थी, बट वो है कहाँ? मैं जानता हूँ कि हीरो यहीं कहीं है और वो अंगूठी उससे जुड़ चुकी है। अब उसमें असीम शक्तियां आ गईं। मेरे दोनों यंत्रों का विनाश कर दिया उसने। कैसे कैसे उसे मेरी योजना के बारे में पता चला? परंतु एक बात तो तय है कि हीरो इन्हीं में से एक है और मैं अवश्य उसे ढूंढ निकालूंगा। अब मिल लो अपनी फैमिली से। अरे बेटे लाल, बड़ी जल्दी में रहते हो तुम। देख, ट्रेनिंग का ना अभी बहुत बड़ा पार्ट बचा है। दुश्मन को हराना एक बात है, लेकिन उससे बड़ी बात होती है दुश्मन को जानना। अरे पर अब कौन सा दुश्मन बचा है हमारा? सब तो खत्म हो गया। सब अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सुन बेटा, अच्छाई और बुराई ना हमेशा साथ रहते हैं। अगर सब अच्छा दिख रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बुराई भी पनप रही है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। अभी भी कुछ बचा हुआ है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मैं सेंस कर पा रहा हूँ वीर, वो आ रहे हैं, ये आ चुके हैं। दिस इज नॉट द एंड। अरे उदास क्यों बैठे हो यार, क्या हुआ है? बेटा क्यों जाना चाहते हो इस राह पर? ये सही नहीं है। देखो देखो क्या हाल हुआ है मेरा। मत करो बेटा ऐसा। देखो जो आपके साथ हुआ है वो तो जनरेशन गैप है ना। जो आपके साथ हुआ है मेरे साथ नहीं होगा। आपके ऊपर अमलंदा हावी है और मेरे पे देखो 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 देख रहे हो? याद है ना वो पूर्णिमा वाली रात, फुल चांद वाली, बिजली गिरी थी गैजेट पे। रॉकी गॉट लकी। ओके फूफा जी, बोला कम करो काम ज्यादा किया करो। चलो मुझे अमलनंदा से बात नहीं करनी। बीस्ट मेगा दंश। गला खराब हो जाएगा इतना चिल्लाओगे तो।
Thanks. ये क्या है? फूफा फूफा मेरे प्यारे फूफा फूफा यही प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन की, डेमो करना पड़ता है, एज भी हो गई है ना। कोई नहीं, देखो इससे ना मैं आपकी पावर्स को यूज कर पाऊंगा। अब ये क्या है रॉकी, क्या कर रहे हो मेरे साथ? चलो स्टार्ट द गेम। या भाई साहब, मार दूंगा तुझे, हट जा मेरे रास्ते से। ये तो ड्रैकुला बन गया हम, बफेलो ड्रैकुला, हॉलीवुड भेजू क्या? गुड बॉय। ये मैं हूँ, ये मेरे फूफा जी हैं, वीर के पापा, और ये हमारी पारी हो रही है। बेटा वीर, मैं आ रहा हूँ और साथ में ला रहा हूँ एक मॉन्स्टर फॉर फ्री। कितने दिन हो गए तुझे गए हुए, कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या अपनी माँ को? सबके बीच में अकेला छोड़कर चला गया था, कहाँ है तू रॉकी? रॉकी, रॉकी। हाँ जी मम्मा। बेटा मैं तुझे याद कर रही थी अभी, तू कब आएगा? मैं आने वाला हूँ। व्हाट, तू आ रहा है? पता, मैंने तुझे याद किया और तेरा कॉल आ गया, फाइनली तू वापस आ रहा है। पता मुझे ना वो जया जी वाली फीलिंग आ रही है। किसकी? वो एक मूवी में था ना कि जया जी का बेटा आने वाला होता है और वो आरती को बीच में ही छोड़कर डोर की तरफ भागती हुई जाती है। I'm so happy तू फाइनली आ रहा है। पता यहाँ पे तेरे बिना सब कुछ अजीब लगता है मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी ऐसी ऐसी कहानियां सुनाऊंगा ना, ये जो आप बॉलीवुड वाली मम्मी हो ना, सब भूल जाओगे, अब सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा अब चलो कोई नहीं, अभी रखता हूँ, फिर मिलता हूँ, आ रहा हूँ। बाय बाय, लव यू मम्मी। से बात कर रहा था, पर मैंने आपसे कोई आईटी का सवाल थोड़ी पूछा है, जो इतनी पढ़ाई करके सवाल दोगे जवाब दोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो आपने हीरो को क्यों नहीं मारा? मौका था ना आपके पास, 10 बार नहीं पूछूंगा। मुझे नहीं पता। कोई नहीं, एलियन गैजेट का इस्तेमाल करके देखते हैं कितना सक्सेसफुल है। अरे
यादें ना बहुत खराब चीज होती है फूफा जी, नहीं बाय गॉड। अरे भाई शुक्र कहूंगा ना, अब मैं ना आपकी यादों में जाके सच जानने की कोशिश करूंगा ताकि हीरो का बैंड बजा सकूं। हीरो ने ही उस गंदे धुएं से सबको बचाया। वो सब कहने की बात थी कि हीरो मर गया, भगवान न करे कि उसे कुछ हो, वो तंदुरुस्त रहे और हम सबको रक्षा मंडल और गुरु खत्री के गुंडों से बचा के रखे। अब तो मनुष्यों को भी विश्वास हो गया कि हीरो जीवित है। यदि वो जीवित है तो है कहाँ? गुरुदेव, हजार वर्षों का लेखा जोखा छान लिया, ये एकमात्र चित्र बचा है उस जीव का। और कहीं कुछ नहीं मिला? नहीं गुरुदेव। अब समझ में आ गया है, हीरो ने सबको बचाया और उसी समय सहस्र वर्षों बाद ये जीव साक्षात प्रकट होता है ठीक उसी जगह। हो न हो, ये भगवान शिव जी की ही चाल है। हो न हो, ये जीव ही हीरो की मदद कर रहा है। पता करो, आस पास ही होगा। बहुत संभव है कि वो हीरो के साथ ही है। सॉरी यार, उस दिन मैं जिस तरीके से मैंने बात किया, मैंने जो जो चीजें बोली। इट्स ओके, थैंक यू। मंटू, आई डोंट नो कि मैं कब हैलुसिनेट करने लगी थी वो स्मोक की वजह से। जो कुछ भी हुआ, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वीर ने मुझे बचाया। मुझे उसका एहसास हुआ था, मुझे उसकी प्रेजेंस फील हुई थी। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं हैलुसिनेट तो कर ही रहा था, लेकिन आई नो कि भाना वीर था, उसने मुझे बचाया। फ्रूम, फ्रूम। अगर वो लौट आया है तो फिर सामने क्यों नहीं आ रहा? आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो फूफा जी? रोक के, तुमसे जो बन पड़े कर लो, तुम्हें कुछ पता नहीं चले चलेगा। देखो पता तो मैं करके रहूंगा, नहीं जब पता चलेगा तभी असली चीज पता चलेगी ना। मानोगे नहीं यार आप। फूफा जी, ड्रैकुला बनने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताओ, आप घर गए थे ना, हीरो को ही ढूंढ रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ जो आपने हीरो को नहीं मारा? बताओ फूफा जी प्लीज। देखो तुमने कहा था कि रीजन होगा कि वो सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन उसका काम तो पूरा हो गया ना। वो आया, उसने हम सबको बचाया, तो फिर क्यों? चाहे कोई भी रीजन हो, कोई भी मजबूरी हो, अगर वीर यहां है तो अपनी फैमिली से मिलने जरूर आएगा।
पंटू, हमें सब पे नजर रखनी होगी, मामा मामी स्वीटी मीठी सब पे। वीर आएगा, वीर जरूर आएगा। तू जो कोई भी है मेरी नजरों से बच नहीं सकता, और तेरे जरिए ही मैं पहुंचूंगा हीरो तक।